हे व्हाट्सअप गाइस, अभिषेक हियर। और आज के इस वीडियो में यार हम करने वाले हैं स्पीड टेस्ट कंपैरिजन बिटवीन रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स वर्सेस रेडमी नोट 9। और नोट 9 जो है वही रिसेंटली लॉन्च हुआ था और इंडियन वेरिएंट है दोनों स्मार्टफोन्स मेरे पास। और आज के इस वीडियो में यार स्पीड टेस्ट करेंगे और साथ ही रैम मैनेजमेंट भी चेकआउट कराऊंगा आपको, वीडियो रेंडरिंग वगैरह भी करेंगे और देखेंगे कौन सा फ़ोन यहाँ पे फास्टर निकल के आता है। ऑब्वियसली नोट 9 प्रो मैक्स फास्टर निकल के आएगा, लेकिन इस वीडियो को बनाने का यार मकसद सिर्फ यही है कि 12,000 रुपये वर्सेज 17,000 रुपये के बीच में कितना स्पीड का डिफरेंस है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे बूटअप टेस्ट करने वाले हैं। दोनों फोन्स कंप्लीटली पावर ऑफ है, दोनों फोन्स के पावर बटन को एक साथ प्रेस करेंगे और भाई देखेंगे कौन सा फ़ोन यहाँ पे पहले ऑन होता है। नोट 9 प्रो मैक्स में पहले यहाँ पे रेडमी का लोगो आ गया है, नोट 9 में उसके बाद आया है। बाय द वे आपको बताया था यार, जो प्रोसेसर है दोनों फोन्स में अलग है। नोट 9 प्रो मैक्स में हमें यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G मिल जाता है, नोट 9 में मीडियाटेक का हीलियो G35 प्रोसेसर मिलता है। तो एक बजट सेगमेंट का प्रोसेसर है और एक मिड रेंज में बेस्ट प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिल रहा है। 720G काफ़ी क्लोज है 730G के, जो कि पोको X2 में मिलता है। तो देख सकते हो भाई कितना क्विक है। और नोट 9 भी यार पीछे नहीं है, देख सकते हो काफ़ी जल्दी ये भी बूट यहाँ पे कर गया है। तो भाई क्विकली आपको दिखा देता हूँ, रिसेंट ऐप्स यहाँ पे कोई रनिंग नहीं है, दोनों फोन सिमिलर वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है और कोई भी यहाँ पर फालतू की एप्लीकेशन नहीं है। जो टेस्टिंग के लिए यहाँ पर यूज़ करने वाले वही ऐप्स है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सिस्टम ऐप से, बेसिक फोन डायलर 3, 2 and 1। तो यहाँ देख सकते हो यार थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों फोन्स के बीच में, मैसेंजर और स्लाइट डिफरेंस, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा नोट 9 में। देन यहाँ पे हम आ जाते हैं सेटिंग्स एप्लीकेशन दोनों फोन्स के एक साथ और यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर था। बाय द वे गाइस, अगर मैं कुछ गलत बताता हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर सकते हो। प्ले स्टोर, तो यहाँ पे स्लाइटली फास्टर है हमारा नोट 9 प्रो मैक्स। यूट्यूब और अगेन नोट 9 प्रो मैक्स, तो देख सकते हो कितना डिफरेंस है यहाँ पर। इंस्टाग्राम, सो नोट 9 प्रो मैक्स स्लाइटली फास्टर अगेन। कोरा, लेट्स सी, नोट 9 प्रो मैक्स अगेन गाइस, देख सकते हो यहाँ पे आप, और दोनों फोन्स में लोड हो गया है। नोट 9 ने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा दिया, बाकी स्क्रोलिंग यहाँ पे थोड़ी सी चॉपी होती है नोट 9 में जब मैं ऐसे स्क्रोल करता हूँ वेब पेजेस वगैरह पे। तो यहाँ पे विंक म्यूज़िक को भी ओपन कर लेते हैं दोनों फोन्स में। और अगेन गाइस देख सकते हो नोट 9 यहाँ पे फास्टर है और नोट 9 प्रो मैक्स। अब यहाँ पे कुछ गेम्स को टेस्ट करते हैं जहाँ पे रियल स्पीड डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलेगा। सर्फेस सर्फर्स, लेट्स सी, सो एज यू कैन सी गाइस नोट 9 प्रो मैक्स इज रियली फास्ट और नोट 9 इज टेकिंग सम टाइम, नाउ इट्स ऑल्सो डन। सो स्टार्ट करते हैं स्मैश हिट दोनों फोन्स में एक साथ, अनदर गेम, लेट्स सी। सो एज यू कैन सी गाइस, ये जो डिफरेंस है ना यार, ऐसा डिफरेंस आपको एक मिड रेंज और फ्लैगशिप के बीच में देखने के लिए मिलता है। और अभी आपने देखा था जो थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेम स्किप हो रहे थे, थोड़ा सा लैग कर रही थी गेम स्टार्ट होने में, तो ये पबजी वगैरह में भी लैग करता है, अभी आगे डिटेल में आपको बताऊंगा। पबजी ओपन कर लेते हैं भाई, सबकी फेवरेट ऐप है गेम, मतलब देखते हैं यहाँ पे कितना डिफरेंस मिलेगा आपको एक बजट प्रोसेसर वर्सेज एक मिड रेंज का बेस्ट जो प्रोसेसर मिलता है आपको। बाय द वे दोनों ही जो फोन्स हैं ना यार वो सेम ग्राफिक्स पे यहाँ पे पबजी चलाते हैं, देख सकते हो भाई नोट 9 प्रो मैक्स कितना ज़्यादा फास्ट है। अभी वहाँ पे ओपन तक नहीं हुई है और वो थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, नाउ इट्स ऑल्सो डन। बताना चाहूँगा भाई जो हमारा नोट 9 प्रो मैक्स है ना वो यहाँ पे स्मूथ प्लस अल्ट्रा में चलाता है, ये भी स्मूथ प्लस अल्ट्रा में चलाता है, लेकिन दोनों की जो गेमिंग परफॉर्मेंस है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको मिलेगा। HD हाई दोनों ही फ़ोन सपोर्ट करते हैं, लेकिन भाई गेमिंग परफॉर्मेंस पे आप बिल्कुल भी ऐसे ग्राफिक्स देख के फ़ोन परचेज मत किया करो, क्योंकि यार जो G85 है वो इतना ज़्यादा केपेबल नहीं है। G70, G80, G85 सारे ही सिमिलर प्रोसेसर्स हैं, तो गेमिंग के लिए कोई फ़ोन लेना नोट 9 प्रो मैक्स सबसे बेस्ट आपके लिए होने वाला है। अब यहाँ पे मैं वीडियो रेंडर भी करके दिखाया था आपको क्विकली, चलते हैं यहाँ पर और ये क्लिप है जो कि हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं दोनों फोन्स में सिमिलर। सो दोनों फोन्स में मैं एक साथ यहाँ पे सेव टू कैमरा रोल करने वाला हूँ 3, 2 and 1। तो यार ये जो टेस्ट होता है इससे बेसिकली पता चलता है कि CPU कितना दमदार है, देख सकते हो नोट 9 प्रो मैक्स डन और अभी वो हाफ वे है नोट 9 और यहाँ पर ये ऐड आ गया भाई, देख सकते हो नोट 9 अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो इतना कुछ यार डिफरेंस मिलता है आपको दोनों ही फोन्स के बीच में। आप रैम मैनेजमेंट भी चेक कर लेते हैं दोनों ही फोन्स के अंदर, मैं बता देता हूँ आपको गेम टर्बो दोनों ही फोन्स के अंदर मैंने ऑफ किया था, तो उससे रैम मैनेजमेंट में यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो फोन डायलर दोनों ही फोन्स के अंदर रिफ्रेश, क्या बात है। मैसेंजर नोट 9 प्रो मैक्स मेमोरी में है, नोट 9 ने रीलोड किया है। सेटिंग्स,
दोनों फोन्स में रीलोड हुई है प्ले स्टोर। सो प्ले स्टोर नोट 9 में लोड हुआ है, यूट्यूब नोट 9 में भाई लोड हो गया है, यहाँ पे देख सकते हो। इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम भी यार यहाँ पे रिफ्रेश हुआ है नोट 9 के अंदर, देख सकते हो लेटेस्ट फीड पे। कोरा अगेन गाइज यहाँ पे रिफ्रेश हुआ है हमारे नोट 9 के अंदर। तो रैम मैनेजमेंट उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, देख सकते हो यहाँ पे। विंक म्यूजिक अगेन रिफ्रेश हुआ है। तो नोट 9 यार सारी ऐप्स को ऑलमोस्ट यहाँ पे रिफ्रेश किए जा रहा है, देख सकते हो यहाँ पे। सबवे सर्वर्स तो रीलोड हो गई है भाई। तो पबजी तो भाई यहाँ पे मेमोरी में रहने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो देख सकते हो यार स्मैश हिट भी यहाँ पे रीलोड हो गई है पबजी। सो गाइस बहुत ही बेकार यहाँ पे रैम मैनेजमेंट मिला है रेडमी नोट 9 के अंदर। तो इसीलिए यार मैं बोल रहा था, अभी मैंने इसका पबजी टेस्ट भी किया था मेरे भाई के चैनल के ऊपर, तो उसमें भी बहुत बेकार इसने परफॉर्म किया था। काफ़ी ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह होते हैं, मुश्किल से 20 से 25 FPS पे पबजी चला पाता है, और काफ़ी ज़्यादा लैग्स, फ्रेम ड्रॉप्स, सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो ये यार बिल्कुल भी यार इंप्रेसिव डिवाइस मुझे नहीं लगा है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे Xiaomi की तरफ से नोट 8 इससे मच बेटर परफॉर्म करता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, यही डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है दोनों फोन्स के बीच में। बाकी यार आपको कोई गेमिंग डिवाइस लेना है, एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन लेना है, तो ज़रूर आप नोट 9 प्रो मैक्स को ले सकते हो। बट हाँ, आपको पता है कि ये सेल में तो मिलता नहीं उतनी आसानी से। अगर आपको मिल जाता है तो भाई नोट 9 प्रो या फिर प्रो मैक्स या फिर पोको M2 प्रो लेना। नोट 9 के साथ यार बिल्कुल भी मत जाना, इस प्राइस में बिल्कुल भी अच्छा फ़ोन नहीं है। इसके कैमराज भी एकदम एवरेज है। अगर आपको इस प्राइस में ही कोई फ़ोन लेना है तो रियलमी का 6i देख लेना यार, 13,000 रुपये में मीडियाटेक का हीलियो G90T 60 FPS 40 FPS पे भी गेमिंग कर देगा, पर यार अच्छी गेमिंग करके दे देगा आपको। तो गाइस अभी के लिए स्टूडियो में इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना यार अगला स्पीड टेस्ट आपको कौन सा देखना है। रियलमी 6 के साथ भी मैं लाने वाला हूँ, रियलमी 6i की वीडियो चाहिए तो वो भी बता देना। सब्सक्राइब यार प्लीज़ कर लेना चैनल को, क्योंकि अभी और कमाल की वीडियोज़ आने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।